ब्रज में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ब्रज के कई मंदिर अजन्मे के जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं और मंदिरों की रौनक अब से ही देखने लायक है। जन्माष्टमी के मौके पर कई लोग अपने घरों में ब्रज से भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके घर पर विराजमान होने वाले लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया जाता है। वृंदावन में रहने वाले विजय करीब 2 सालों से भगवान कृष्ण की अलग अलग मूर्तियों का श्रृंगार का काम करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी से इस कला के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन कृष्ण की भक्ति ने उन्हें इस काम में माहिर बना दिया। विजय ने बताया कि भगवान की मूर्ति के श्रृंगार को अंगराग कहा जाता है। इसके लिए एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई मूर्ति आती है तो सबसे पहले उसके नेत्र बनाए जाते हैं और मत्स्य आकार में नेत्रों को कटाक्ष दिया जाता है ताकि वह बिल्कुल असली आँखें लगें। इसके बाद ठाकुर जी के होठ, बाल और हाथ और पैरों में महावर लगाया जाता है। साथ ही भगवान के शरीर पर अलग अलग तरह के बेल, फूल और पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है। साथ ही श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंखों से उनके बाजूबंद बनाए जाते हैं। कई लोग भगवान कृष्ण के कपड़ों का भी अंगराग करवाते हैं। इसके अलावा अलग अलग संप्रदायों के अनुसार तिलक भी किए जाते हैं, जिसमें गौड़िया संप्रदाय, हरिदासी, हरिवंशी, निम्बार्की समेत कई संप्रदायों के तिलक शामिल होते हैं। उसके बाद भगवान के मुख पर भी कई प्रकार का श्रृंगार किया जाता है, जिसे कोलका, चंदन या बेल बूटे का श्रृंगार कहा जाता है। साथ ही एक मूर्ति को सजाने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। मेरा नाम विजय दास है। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे लगभग इस काम को करते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो कितनी उम्र है वैसे आपकी? मेरी 19 साल है उम्र। तो कैसे सीखा आपने ये काम? मैंने ये काम स्वयं अभ्यास से साल भर में मैंने ये काम सीखा है। तो ठाकुर जी का कैसे श्रृंगार किया जाता है, पहले बताइए। तो क्या क्या होता है? देखिए, कुछ विग्रह दुकानों में सेल होते हैं, वो आते हैं सबसे पहले बनने के लिए, तो उनके मत्स्य आकार में कटीले नेत्र बनाए जाते हैं। नेत्र एकदम रियलिस्टिक रूप से बनाए जाते हैं, जो कि एकदम हमारे नेत्र होते हैं वैसे ही दिखें। उसके बाद नेत्र बनते हैं, नेत्र के बाद लड्डू बनाया जाता है। लड्डू के बाद जिस संप्रदाय के आप हो, उसी जैसे गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्की संप्रदाय इत्यादि प्रकार के तिलक बनाए जाते हैं। उसके बाद आप ठाकुर जी का श्रृंगार, जैसे चंदन श्रृंगार, माथे पे चंदन श्रृंगार होता है, बेल बूटा, बेल से श्रृंगार होता है। तो उसके बाद आप विभिन्न प्रकार से, जैसे गोपी डॉट कहते हैं किसी किसी प्रकार से, उन प्रकार से भी श्रृंगार किया जाता है। ठीक, और हाथों पैर में? हाथों पैरों में महावर लगाई जाती है और पैरों में पदचिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे ठाकुर जी के पदचिन्ह होते हैं, और हाथों में महावर लगाई जाती है मेहंदी के समय। तो एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? साधारण मूर्ति को बनाने में 1/2 घंटा, और थोड़ा डिटेलिंग मूर्ति, जैसे फिनिश्ड मूर्ति होती है, तो उनको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं बनाने में। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।